मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सकीय देखभाल में परिवार के सदस्यों की भूमिका। परिवार के सदस्य मरीज की बीमारी के विषय में कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? आप मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या परामर्शदाता से मिलकर बीमारी से संबंधित बातें पूछ सकते हैं। अपने आप को मरीज की बीमारी और उपचार के विकल्पों के बारे में शिक्षित कीजिए। मरीज की बीमारी के बारे में जानकारी क्यों प्राप्त करनी चाहिए? बीमारी से संबंधित गलत धारणाओं व मिथकों से बचने के लिए, मरीज की बीमारी से अवास्तविक उम्मीद रखने से बचने के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वह मरीज की बीमारी को समझें, स्वीकार करें एवं उसका सामना करें। इलाज को व्यवस्थित रूप से पालन करने के लिए मरीज एवं परिवार के सदस्यों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इससे परिवार के सदस्यों को मदद मिलती है यह समझने में कि खराब एवं बिगड़ी हुई स्थिति से बचने के लिए पेशेवर मदद बहुत ज़रूरी है। रोगी में अपनी बीमारी के विषय में समझ विकसित करने में भी यह मददगार है। परिवार के सदस्यों में यह समझ विकसित करना कि रोगी के व्यवहार में आने वाला विचित्र एवं भावनात्मक परिवर्तन का कारण बीमारी है। बीमारी की शुरुआती प्रक्रिया में सूक्ष्म व्यवहार एवं भावनात्मक परिवर्तन को पहचानने की क्षमता को विकसित करना, इस बात पर गौर करें कि रोगी को दोष देना, उस पर गुस्सा करना एवं तर्क वितर्क करने से परिवार के सदस्यों को बचना चाहिए। परिवार के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि रोगी और उसकी बीमारी शर्म का कारण नहीं है। परिवार के सदस्यों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि दवाओं के नियमित सेवन से मरीज की जिंदगी सामान्य स्तर पर आ जाती है और मनोचिकित्सकीय सेवाओं की मदद से मानसिक दर्द एवं समस्याओं का सामना किया जा सकता है। दवा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परिवार के सदस्यों को ज्ञात होनी चाहिए। दवा का पूरी तरह से असर होने के लिए यह ज़रूरी है कि दवाएं जैसे बताई गई हैं वैसे ही ली जाएं। परिवार के सदस्यों को रोगी की हालत के विषय में डॉक्टर को नियमित रूप से रिपोर्ट देनी चाहिए। परिवार के लोग मरीज पर बारीकी से नज़र रखें एवं दवा के दुष्प्रभावों के विषय में अपने डॉक्टर को बताएं। अगर किसी भी सदस्य में अचानक कुछ भावनात्मक व व्यवहारिक बदलाव नज़र आता है तो परिवार के सदस्यों को मदद अवश्य लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण करने योग्य बातें जो परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिए। संवाद या बातचीत करते समय ध्यान रखें कि शांत और सम्मानजनक रहें। एक समय पर एक ही विषय के बारे में बात करें। सकारात्मक रवैया रखें। रोगी के साथ ईमानदार रहें। उचित समय पर हास्य का प्रयोग करें। डॉक्टरों के साथ खुले तौर पर बात करें। रोगी के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए ध्यान रखें कि अल्पकालिक लक्ष्यों को बनाकर उसके साथ मिलकर काम करें। योजनाओं और गतिविधियों में एक साथ सक्रिय रूप से भाग लें। सही मायने में अपने मरीज की प्रशंसा करें, बल्कि रोज़मर्रा के व्यवहार पर भी अगर आप मरीज को शाबाशी देंगे तो मरीज के लिए अच्छा रहेगा। मरीज के कठिन व्यवहार को संभालते हुए ध्यान रखें कि अगर मरीज घातक व्यवहार करें तो दूसरों से मदद लें। मरीज की बीमारी को समझें। आशावादी एवं तर्कयुक्त रहें। मरीज की बीमारी के लक्षण एवं दवाओं के प्रभाव की जानकारी रखें। यह जानकारी डॉक्टरों के लिए मूल्यवान होती है। लक्षणों के वापस आने पर अथवा बिगड़ने पर ध्यान दीजिए। मरीज के आग्रह करने पर उसे व्यक्तिगत रूप में यानी खुद के लिए थोड़ा समय दें।
और यह भी ध्यान रखें कि इस समय में वह अपने लिए या दूसरों के लिए खतरनाक ना हो। अवांछित व्यवहार व आमतौर पर की गई बातचीत में अंतर पहचानिए। सारे अवांछित व्यवहार का दोष केवल बीमारी पर मत डालिए। स्वयं की देखभाल के लिए ध्यान रखें। अपनी समर्थन प्रणाली के साथ संपर्क में रहें। स्वयं को मानसिक बीमारी के विषय में शिक्षित करें। जो अन्य लोग इन्हीं परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं उनसे बात करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और धैर्यपूर्वक रहें। कुछ आवश्यक ना करने योग्य बातें जो परिवार के सदस्य को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। संवाद के दौरान रोगी के साथ ये सब ना करें। उसे उसकी बीमारी के कारण नीचा ना दिखाएं या तंग ना करें। मरीज पर चिल्लाएं नहीं। मरीज से बीमारी के संबंध में तर्क वितर्क ना करें। मरीज के अतीत के विषय में बातें ना करें बल्कि वर्तमान में ही रहें। रोगी के मुश्किल व्यवहार के दौरान ये सब ना करें। उसके लक्षणों या बीमारी को व्यक्तिगत रूप में ना लें। उसके जीवन व रिश्तों में आई भावनात्मक दूरी की अपने निजी जीवन में व्याख्या नहीं करें। मरीज की मानसिक बीमारी का सामना करते हुए यह ना करें। मरीज की बीमारी के कारण अपना जीवन बर्बाद ना होने दें। मरीज के जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। मरीज के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए ध्यान रखें। मरीज के लिए सारे निर्णय खुद से ना लें। जिस हद तक हो सके उसे अपने निर्णय स्वयं लेने दें। मरीज से ये ना कहें कि बस अब खत्म करो। मरीज की आलोचना ना करें और उसे अजीबो गरीब नाम से ना पुकारें। मरीज को जहाँ तक हो सके अपनी दिनचर्या स्वतंत्र रूप से पालन करने दें। मरीज को बच्चे की तरह ना समझें। प्यार से देखभाल बहुत ज़रूरी है परंतु अधिक भागीदारी सही नहीं है। समाज व कार्य क्षेत्र में पुनः एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करें। रोगी को सामाजिक रूप से अलग महसूस ना करने दें। रोगी से बात करें एवं उसकी बातों को मान्यता दें। किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्य को प्रोत्साहित करें। अपनी तरफ से प्रयास करें कि रोगी को अपनी आशा ना खोने दें। कुछ मनोचिकित्सकीय सेवाएं जो रोगी को समाज व कार्य क्षेत्र से मिलवाने में मदद करती हैं। व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, इसमें रोगी को स्वयं को बेहतर पहचानने में मदद की जाती है। उसे अपने गुस्से, चिंता व तनाव पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। समूह मनोचिकित्सा, इसमें दो या दो से अधिक रोगी एक साथ बैठकर मनोवैज्ञानिक की सहायता से अपने अनुभवों को एक दूसरे को समझाकर अधिक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और बीमारी से जल्दी बाहर निकलते हैं। वैवाहिक जोड़ों की थेरेपी, इसमें पति एवं पत्नी को मरीज की बीमारी, उसके कारण, उसका संचार, व्यवहारिक व भावनात्मक परिवर्तन व बीमारी का सामना करके वापस जीवन शैली में आने के विषय में शिक्षित किया जाता है। परिवार थेरेपी, परिवार के सदस्य रोगी को ठीक करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसी कारण इस थेरेपी के दौरान उन्हें रोगी की बीमारी, उसके कारण, उसके लक्षण व उससे बाहर आने के विकल्पों के विषय में शिक्षित किया जाता है। मनोसामाजिक पुनर्वास, यह रोगी को दोबारा सामाजिक रूप से अपनी कार्य कुशलता व क्षमता को स्थापित कर एक स्वस्थ दृष्टिकोण से जीवन शुरू करने की कोशिश करता है। समर्थन प्रणाली, इसमें रोगियों को एक साथ बैठाकर बात करने की प्रेरणा देकर
यह सिखाने की कोशिश की जाती है कि वह अकेले इस बीमारी का शिकार नहीं है, बल्कि और लोग भी बहुत धैर्य, सकारात्मक सोच व सही उपचार के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।